ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦਾ विश्विंदर जी बताएं, आप वार्ड काउंसिल 11 के हैं, आज आपने न्यूट्रिशन बांटने के लिए आंगनवाड़ी सेंटर में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सब जानते हो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ICDS के द्वारा यहां पर हर वार्ड में आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले गए हैं और उन सेंटर्स में आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, सुपरवाइजर हैं जो उनकी देख रेख करती हैं और उन सेंटर्स में बच्चे आते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि इन सेंटर्स में गरीब परिवार के बच्चे आएंगे या अमीर परिवार के आएंगे। जो भी 3 साल से नीचे बच्चे हैं, जो भी इनकी कंडीशंस हैं, जिसमें 6 साल तक कुछ अलग तरह के बच्चे हैं, कुछ मदर्स हैं, कुछ उनको फीडिंग की जाती है, उनके लिए ये सेंटर खोलेंगे। ये एक हमारी जनता की सहूलत के लिए महकमा ये चीज़ खोल रहा है। आज वार्ड नंबर 11 में ये जो न्यूट्रिशन की डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, इसमें हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद आरफ जी और CDPO हमारे नज़ीर साहब और यहाँ के मैडम अंजू जी हैं, सोनिया जी हैं और भी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, जिनके द्वारा, जिनके उपलक्ष्य में उपस्थित होते हुए हम ये न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम आभारी हैं कि प्रेसिडेंट साहब ने काफ़ी समय निकाला, आज बिजी शेड्यूल था इनका, मगर फिर भी इन्होंने हमारे वार्ड के लिए समय निकाला और CDPO साहब ने निकाला। आज बच्चों को ये न्यूट्रिशन दी जा रही है, जिसमें गवर्नमेंट का एक ये है, जब से ये कोविड चल रहा है इसमें ड्राई न्यूट्रिशन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और ताकि बच्चे घर में बैठकर ये चीज़ें खाएं। जहां तक सेंटर्स की बात है, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे वार्ड के सेंटर्स हैं इनको खूबसूरत बनाया जाए। जो हमारे स्टाफ मेम्बर हैं ये मेहनत करते हैं, कुछ सेंटर्स में अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, जिस तरह से आज CDPO साहब ने कहा कि जहाँ जगह की कमी है वो नई अकोमोडेशन ढूंढी जाए, जिसमें आज हमारे प्रेसिडेंट साहब कुछ अनाउंस करेंगे और CDPO साहब भी अनाउंस करेंगे, ताकि जो यहाँ के बच्चे हैं उनको अच्छा बैठने की जगह मिले, पढ़ने के लिए अच्छे बुक्स मिले, खेलने के लिए अच्छे खिलौने मिले और आज की जो टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूटर की है, वो भी यहाँ पर सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आशा है कि बच्चों को न्यूट्रिशन भी बांटी जाएगी और प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ पर आज इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनाउंसमेंट करेंगे और CDPO साहब भी करेंगे। और मैं एक बार दोबारा यहाँ के स्टाफ मेंबर्स का आभारी हूँ और खासकर मीडिया के जो हमारे भाई हैं, जो दिन रात पॉजिटिव खबरें लेकर हमारे लोगों के बीच में आते हैं, और पब्लिक के रजौरी के हमारे सचिन जी भी इसमें हैं, इनके आभारी हैं कि जो इस कोविड पेंडेमिक में अपना अपना योगदान दे रहे हैं, इससे किस तरह से बचा जाए। और सरकार के द्वारा भी कोविड को देखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर श्री राजेश कुमार श्यामन जी, जिन्होंने एक पूरी कड़ी नज़र रखी हुई है कोविड से बचाने के लिए, कि जो SOPs जारी की गई है हमें भी उनका पालन करना है। जाओ हमारे वार्ड में वैक्सीनेशन लग रही है, वैक्सीन भी लगवानी है, टेस्टिंग भी करवानी है और यहाँ ये मेडिकल चेकअप के कैंप लग रहे हैं, वहाँ भी हम लोगों को पहुँच रहे हैं, ताकि हम लोग SOPs का पालन करें, खुद भी बचें, अपने परिवार को भी बचाएं और अपने मोहल्ले वालों को भी सुरक्षित रखें। अब मैं प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपने विचारों से जो भी हमारे यहाँ पर बच्चे आए हैं, मैडम्स आए हैं, उनका मार्गदर्शन करिए। आरिफ जी बताएं, आज आपने सेंटर में यहाँ पे दौरा किया, तो आप अपनी तरफ से क्या सहूलियत इन बच्चों को देना चाहते हैं? हमारे यहाँ पूरे मुल्क में और उसके साथ ही साथ हमारे जम्मू कश्मीर और राजौरी में भी इस वक्त कोविड की एक सेकंड वेव की बड़ी महामारी चल रही है, लेकिन साथ ही साथ म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी हो या हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो,
या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हम सारे ये प्रयास कर रहे हैं कि हम हर अपने शोबे को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सब जगहों पर अपनी कारकर्दगी को अच्छे तरीके से सर अंजाम दें। उसी घर से आज हम यहाँ पे वार्ड नंबर 11 के सेंटर में यहाँ पे हैं, और यहाँ पे जैसे हमारे ऑनरेबल काउंसलर अभी आपको बता रहे थे कि हमने अपनी पूरी काउंसिल के अंदर और वार्ड में इसमें भी हर तरह की जो सहूलियात थी वो अपने लोगों के लिए सर अंजाम दी है इस पूरे अरसा में। मैं अपने CDPO साहब को और यहाँ पे काम कर रही सेंटर्स में हमारी चाहे वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, और यहाँ पे जो आ रहे बच्चे हैं, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपना काम अंजाम दे रहे हो। और जैसे अभी ऑनरेबल काउंसलर्स ये कह रहे थे कि यहाँ पे हम कुछ चीजें जो नई अनाउंस करने जा रहे हैं, हमने पिछले साल भी जब इन सेंटर्स को लेके हमने एक पूरी एक काउंसिल ने विचार किया इस पे, तो हमें देखने में लगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम काउंसिल की तरफ से हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ छोटे बच्चों को मिले, और जो हमारे यहाँ पे जनरल जो लोगों के अंदर भी इसका जो एक जिस पर्पस के लिए सरकार ने ये खोले हैं वो भी हमारे आम लोग समझे। जो भी बच्चा 6 साल से कम है वो सेंटर्स में जरूर आए, जो बच्चा सेंटर्स में इसमें आएगा उसके बाद, जैसे पहला मुझे अभी यहाँ के स्टाफ के लोग बता रहे थे कि एक सर्टिफिकेट इश्यू हो कि ये अपनी वार्ड के अंदर अपने इलाके अपने मोहल्ले के सेंटर में आंगनवाड़ी सेंटर से हो के निकला है, या वहां पे भी इसकी जो स्कूलिंग्स है या जो ये जो सारी ये फीडिंग्स वगैरह करते हैं वो हो रही है। इन्हीं चीज़ों की गर्ज वायद से म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी ये चाहती है, और मैं यहाँ पे आपके माध्यम से यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो भी ऐसा सेंटर जिसके पास नॉर्म्स के तहत जो अपना अवेलेबल स्पेस जो सरकार ने इनको गाइडलाइंस में इन्होंने रखी हुई है, जैसे 400 स्क्वेयर फीट की लोकेशन होनी चाहिए, जिस जिस सेंटर के पास वो है वो म्यूनसिपैलिटी रजौरी में अपने ऑनरेबल काउंसलर्स के थ्रू, जैसे हमारे यहाँ पे अभी पुष्पेंद्र जी हैं, इनके साथ रब्ता करें, उसको काउंसिल की तरफ से अपने सेंटर को चलाने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं जो इनके पास नहीं है अभी तक, जैसे बच्चों के बैठने के लिए जो आज की लेटेस्ट छोटी चेयर्स हैं जहाँ पे बच्चे अच्छे से बैठ के पढ़ सकें, जैसे ये आपने हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं जो बच्चे को सीखने में, या खिलौने हैं जो बच्चों को प्रैक्टिकल खेलने में, ये सारी चीजें ताकि उनका माइंड जो जो है वो ग्रो करे। इस सेंटर का जो बेसिक गवर्नमेंट का पर्पज है वो यही है कि बच्चों के हमने जो फिटनेस जो है वो कैसे बरकरार रखनी है मेंटली और फिजिकली दोनों, और इन्हीं चीजों को लेकर, और साथ ही साथ जैसे हमारे सेंटर के अंदर आज हमारा इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या हमारी पूरी जो इस वक्त सेंटर की सरकार है उनका 2014 से बिल्कुल कंटिन्यूस फोकस है कि बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ाया जाए, और उसके लिए आज की जो लेटेस्ट जो एजुकेशन है वो कंप्यूटर के अलावा हो नहीं सकती, और हम ये चाहते हैं कि हमारे हर सेंटर के अंदर एक कंप्यूटर का पूरा जो अपना यूनिट है वो हो, ताकि हमारे बच्चों को हमारा जो स्टाफ जो काम कर रहा है वो ये सारी चीजें अवेल कर सके और पढ़ा सके। जिस भी सेंटर के पास हमारी इस वार्ड नंबर 11 में जहां है, ये अपनी लोकेशन हमें बताएं कि ये हमारी सेंटर का सेंटर है और इसकी ये हमारे जो अवेलेबल जो अपने जो डेजिग्नेट जो लोकेशन है वो ये है, तो हम वहां पे ये जो चीजें हमने अभी आपके सामने कही है ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड करेंगे, चाहे उसमें बच्चों के बैठने की सीटिंग के लिए हो, या हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए चार्ट्स हो, चाहे उनके खेलने के लिए जो अपने स्पोर्ट्स की जो चीजें रहती है वो हो, या उनकी एजुकेशन के लिए जो स्पोर्ट्स के हम प्रैक्टिकल कुछ हमें इनको अपना कुछ चीजें जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हो, या कंप्यूटर हो, ये सारी चीजें हम हर सेंटर में पिछले साल से देना चाहते हैं। पिछले साल भी कोविड रहा, इस साल भी कोविड है, और हमारे पास इस वक्त फाइनेंस भी अवेलेबल है जो हमने इन सेंटर्स की गर्ज से कुछ मेहनत की थी, और हम ये चाहेंगे कि हमारी सारी चीजें सेंटर्स को मिले। और आखिर में मैं सेंटर्स में काम कर रही हमारी जो वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, और खासकर जो हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हमारे CDPO साहब हैं और हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे काउंसलर्स जो है वो इनके साथ बहुत अच्छे एसोसिएशन से इनकी सारी जो इश्यूज हैं चाहे वो सरकार के साथ हो या एडमिनिस्ट्रेशन तक हो या हमें लगता हो जो काउंसिल प्रोवाइड कर सकती है वो सारे देने को तैयार है। शुक्रिया। CDPO साहब, सर आज आपने सेंटर का यहाँ दौरा किया, वार्ड नंबर 11 का जो सेंटर है यहाँ पे, आप सोशल वेलफेयर की तरफ से इन सेंटर को क्या क्या देने की आपने घोषणा करनी है? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा चेयरमैन और दो साल पहले कंसान के गवर्नमेंट की तरफ से किसी ये थ्रू काउंसिलर सुपरवाइजर के रोटेशन का जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलोअप किया था,
उसी की कड़ी में हमने न्यूट्रिशन जो है ड्राई न्यूट्रिशन को लेके घर घर में न्यूट्रिशन देने का जो प्रोविजन गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है उसी के सिलसिले में आज यहाँ पे हम हाजिर हुए। तो इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भी आपने प्रसन्न जी को अपनी वार्ड 11 में आपके आपका न्यूट्रिशन है आपके आप बच्चों को मिलनी चाहिए और साथ में हमारे चेयरमैन साहब जो है दिलदार हैं तो थोड़ा सा बहुत चूँकि कहीं डिपार्टमेंट आपकी तरफ से जितना भी योगदान इन सेंटर को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट है वो तो प्रोवाइड करता है, बट ये है कि थोड़ा सा इनकी हेल्प लेके इनको रिक्वेस्ट की कि थोड़ा हमारे सेंटर को चार चांद लगाने के लिए आपकी तरफ से आप अपनी फंडिंग से हमें सेंटर को डेवलप करने के लिए हेल्प करें। तो इन्होंने वन बाई वन करके इन्होंने अपनी तरफ से विचार रखे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं इनको एक यकीन दिलाता हूँ कि मान लो ये तो वार्ड नंबर 11 है बट हमारी 17 वार्डें हैं तो जहाँ जहाँ भी हमारी अकोमोडेशन जहाँ पे प्लस 14 स्क्वायर फुट जो है 400 स्क्वायर फुट से वो जहाँ भी हमारे सेंटर है वहाँ पे इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक एक कंप्यूटर रूम्स एटलीस्ट एक वार्ड में एक कंप्यूटर रूम इनकी तरफ से रूम तो हम प्रोवाइड करेंगे बट ये हमें कंप्यूटर दे दें। दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से इनको हर सेंटर में कोशिश कर रहा हूँ कि एक ट्रंक एक चेयर्स एक बकेट और जग जो एटलीस्ट आज कल 2-3 दिन के अंदर अंदर हम डिपार्टमेंट से प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी जगह पे टेबल दे रहे हैं, किसी भी जगह पे हम कुछ फोटो कर रहे हैं तो इस सेंटर में ट्रंक और बकेट वगैरह वो दे रहे हैं ताकि ये बच्चे आसानी से अपने सिस्टम को चला सकें। तो मैं लास्ट में ये शुक्रिया अदा करता हूँ इन दोनों हजरात का और आप मीडिया वालों का जिन्होंने अपना टाइम निकाल के हमारे सेंटर में आए और हमारे हेल्पर वर्कर्स की हौसला अफजाई की। इससे मतलब हौसला अफजाई से बच्चों में एक शऊर पैदा होता है और ये लगता है सोसाइटी में कि कहीं ना कहीं जो हम काम कर रहे हैं तो उसकी सिस्टम को रद्द करने के लिए जो हमारी सियासी जो हस्तियाँ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो इससे इंसान को काम करने का इन बच्चों को जो हमारा स्टाफ है मेरे हौसला अफजा उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हजरात में आए हैं। तो थैंक यू सर। मेरा एक सवाल आपसे कि जैसे कि कोविड पैंडेमिक लगा हुआ है जो भी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट हैं प्राइवेट हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे सेंटर में आते हैं इनके भी कोई ऑनलाइन क्लासेस ऐसी शुरू की जाए कि बच्चों को एक्टिविटी बेस पे कुछ करवाया जाए जिसे बच्चा घर में बैठ के ही किया जाए, सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं बांटी जाए कि बच्चे को कुछ एक्टिविटी बेस पे भी करवाया जाए कि बच्चा की बिजी रहे उससे। न्यूट्रिशन एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एक पार्ट है हमारी एक्टिविटी का, इसमें फ्री स्कूल एजुकेशन हमारी है बच्चों को हमारी जो वर्कर है सीबीज होती है महीने में एक बार अपनी सोसाइटी में अपने वार्ड के अंदर गिदरवा में जो बच्चे जिस घरों से यहाँ इनरोल्ड है उनके माता पिता और उनकी सोसाइटी को मोटिवेशन करना। तो ये ड्यू टू कोविड-19 पूरी फुल्ली हमारी वर्कर हैं, इन बच्चों को घर घर में जाके उन्होंने आदेश दिए इनको इस कोविड की महामारी में कैसे बचा जाए SOP का कैसे ध्यान रखा जाए अवेयरनेस करके बच्चों को छोटे बच्चों को बुजुर्गों को इवन के हमारी प्रेग्नेंट लेडी नर्सिंग मदर सबको मोटिवेशन का काम और पूरा जोर शोर से वैक्सीनेशन का काम सर्वे का काम ये बराबर घर में हर बच्चे को टच किया। ये नहीं कि बच्चे घर में हैं तो हम भूल गए इनको, नो इनको जितना भी इनसे पॉसिबल हो सका जो जो रोड बेनिफिशियरी से अदर देन भी जो एक्टिविटी डिपार्टमेंट की डीसीएफ की तरफ से हमें एक्स्ट्रा जो वर्कग्रुप से काम लेने का उन्होंने लोक मित्र वाला एक प्रोविजन चल रहा है डिस्ट्रिक्ट रजौरी में या ऐसे करके वैक्सीनेशन के सर्वे करके हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके उनको मोटिवेशन करना लोगों को ये वाला काम थ्रू वर्कग्रुप के हम करवा रहे हैं बीइंग SDPO इनसे सुबह शाम आदेश और बच्चों को भी हम पूरा पूरा उनका ध्यान क्योंकि वही बच्चे जो है सेंटर में उनके घर में भी जाके ये सब यूटिलाइज कर रही हैं नहीं है। सर ये तो हो गया ना कि अवेयरनेस की बात होगी ना बच्चों में, मैं कह रहा हूँ कि स्टडी को लेके यही स्टडी है बच्चों को हमारी ये प्री स्कूल एजुकेशन ये होता है कि बच्चों को प्लेवे मेथड से मैं बोल रहा हूँ वो करवा के चार्ट्स वगैरह सिस्टम में इनको मोटिवेशन सारा कुछ स्कूल में देते हैं बच्चों को घर में जाके ये दे रही है क्योंकि छोटा बच्चा उसको मोबाइल पे ऑनलाइन सिस्टम नहीं है क्योंकि उनको वहाँ घर पे ही जाके ये डोर टू डोर ये कंपेन कर रही है बच्चों को बढ़ा रही है।